शंकर हर हर शंकर, स्वागत है आपका बूमभोले टेम्पल्स ऑफ इंडिया में। YouTube का एकमात्र ऐसा शो जो हर सोमवार आपको करवाता है बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन। आज हम मौजूद है बनारस में और ये है भुवनेश्वर मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं यहाँ के पंडित जी से। हाँ पंडित जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास के विषय में जो मशहूर याद है कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना बनराल की महारानी पुटिया स्टेट ने करवाया था। उनका करवाने का उद्देश्य ये रहा कि मैं बनारस जाऊं दर्शन पूजन को, तो गंगा स्नान करूं और बाबा भुवनेश्वर महादेव की स्थापना रूप में उनका दर्शन करूं। अच्छा, जो ये मंदिर में शिवलिंग मौजूद है वो स्वयंभू है या नर्मदेश्वर है, को समझ में नहीं आया देखकर। नहीं, ये पुटिया स्टेट ने स्थापित किया था। अच्छा, पुटिया स्टेट ने स्थापित किया था और उनका मकसद ये रहा कि काशी के ठाटों पर ऐसा विलक्षण मंदिर हो जो कि अपने आप में अकेला हो। अच्छा, और जिस जगह पे आप बैठी हैं जी, आप दोनों साइड नज़र डालेंगी, ऐसा कोई भी मंदिर आपको नहीं मिलेगा इतनी ऊंचाई पे और इतना ऊंचा जिसका गुंबद हो। जी एकदम, और एकदम गंगा जी के तट पर मंदिर है ये, दशाश्वमेध घाट पर ही है लगभग। दूसरी इस मंदिर की अद्भुत विशेषता ये है कि जब आप ओम का वर्तुल बनाते हैं तो वर्तुल वापस आपके पास आगे फिर टकराता है गुंबद से। अच्छा, और फिर वापस आपके पास आता है। इस आने जाने की प्रक्रिया में अगर आपने 10 मिनट किया तो आपका हृदय शांत होने लगता है। ये अनोखी बात है, ये अनोखी बात है, और ये शांति सिर्फ इसी मंदिर में ही उपलब्ध है। अच्छा, इस मंदिर में तेल चढ़ाने का है? नहीं, ऐसा रहती उनका आदेश रहती आम दर्शनार्थी आम पब्लिक के लिए मंदिर में। भाई पब्लिक आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे लोट नहीं आते हैं, स्नान किया है कि नहीं स्नान किया है, उन्होंने वेज हैं कि नॉन वेज हैं, तो इसलिए उन्होंने इस बात को एकदम सख्त मनाई गई है। अगर वो आए भी तो गर्भगृह में न जाएं, बाहर से ही दर्शन करें। गर्भगृह का प्रवेश की जाए सिर्फ उन्होंने पुजारी को ही दिया। अच्छा, तो आपका जो आप जिस विधि से पूजा करते हैं वो बताइए। पूजा का विधान तो ये कि पहले सर्वप्रथम बाबा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, उसके बाद बाबा का इत्र से स्नान किया जाता है, उसके बाद बाबा का चंदन से लेप लगाया जाता है, फिर चंदन से बाबा का सिंगार करके उसके ऊपर माला पहना के फिर बाबा का अलंकार किया जाता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अच्छा, ऐसी कोई विशेष पूजा जो करवाने इस मंदिर में लोग आते हैं? विशेष पूजा में ये कि जिनका ग्रह नहीं तालमेल बैठ रहा है या जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही लड़कियों की, उनके विष्णु विवाह, तो वैसे लोगों के लिए मंदिर ज़्यादा जरा तो ये शुभ कार्य, तो शुभ कार्य में उनसे बाधा पड़ रही है, तो ये मंदिर उनकी हर मनोकामना तो पूरी करता है। तो अगली बार जब आप बनारस आए गंगा आरती देखने के लिए तो भूलेगा नहीं, गंगा आरती के बगल में ही है ये भुवनेश्वर मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर अगर आप ओम का वर्तुल बनाएंगे का महसूस तो अत्यंत शांति का एहसास आपको होगा।
हम मिलेंगे अगले सोमवार को बाबा के एक और प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए हर हर महादेव।